अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन मुख्तलिफ लोगों की जो हज के सफर पर जा रहे हैं, और जिसका पार्ट वन मैंने पिछली वीडियो में बनाया था, और आज हम उन्हीं लोगों का इंटरव्यू भी देखेंगे। इसके देखने के बाद आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा कि कौन सा शख्स आपको लगता है कि वो हज कर पाएगा, या उसके इरादे मजबूत है, या फिर उसने हज को सिर्फ और सिर्फ एक मजाक की तरह लिया हुआ है। कौन से गांव से आ रहे हो बाबा आप? हम्बल्टी। महाराष्ट्र में? हाँ महाराष्ट्र। एक वो जा रहा है जो पूरे वो जा रहा है केरला का वो पूरे उस पर प्रचार और वो चल रहा है। हाँ उसका तो बड़ा आदमी है। एक आप हो कि किसी को पता, बहुत गरीब हूँ। आका को ऐसे ही लोग पसंद है। फकीर हूँ उसके घर का बस। तो अभी यहाँ से कहाँ तक जाओगे आप? मैं चिड़िया चौक तक रहूँगा। चिड़िया? नहीं तो मतलब कहाँ, कैसे रूट, मतलब चिड़िया से कहाँ? नहीं मैं चिड़िया डिस्टन खरगुन होते हुए रतलाम दहार मंसूर जा रहा होते, राजस्थान होते हुए जाऊँगा। राजस्थान से कहाँ जाओगे? राजस्थान से मैं जाऊँगा पंजाब जाऊँगा। पंजाब? हाँ पंजाब से मेगा बॉर्डर से। कौन सी बॉर्डर से? मेगा बॉर्डर से। अच्छा पाकिस्तान निकलो। पाकिस्तान। और वहाँ से फिर? वहाँ से फिर सीधा बस वो आगे इराक ईरान बस ऐसे ही चलना है। इराक ईरान? अच्छा तो वीजा सभी देशों का ले लिया होगा आपने? बस अल्लाह है, अभी मैं आगे चल रहा हूँ, आ जाएगा पीछे से। ऐसा? हाँ। तो कोई लोग अभी तो बस अल्लाह के एहसान और करम से धूम से निकला हूँ। आतंक कुछ नहीं है, खाली एक बैग है। खाली बैग? अच्छा आपका सफर किस तरीके का आगेगा, क्या होने वाला था? मेरा मेरा रास्ता राजस्थान जाना। राजस्थान से हो तो आप कितना निकलेंगे? जोधपुर। यानी बताइए आपके पास वीजा है? वीजा नहीं है। वीजा नहीं है? नहीं। तो कैसे आप जा पाओगे वहाँ पर? अल्लाह की रहमत से पहुँच जाएंगे पैदल पैदल। ये लड़का मुस्लिम नहीं है जो पैदल हज पर जाने की बात कर रहा है, ये सिर्फ हज का मजाक उड़ा रहा है। पूरी तफसील, पूरी हकीकत। खुदा का वास्ता अगर मेरे मुंह से कहीं निकल गया होगा तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। मैं हज के लिए नहीं अजमेर के लिए निकला हूं, और मैं आप हजरात से दुआ की दरख्वास्त करता हूं कि अजमेर को जा रहा हूं, आप हजरात दुआ करिए, और जो गलती हुई हो या ना हुई हो, अगर हुई भी हो तो आप उस रब का वास्ता माफ़ करना। आप हज को जा रहे हैं? जी भाईजान हज को जा रहे हैं। तो पैदल ही जा रहे हैं आप? हाँ भाईजान हमने ठाना है कि मतलब हम पैदल ही जाएंगे, पूरी जो हज की यात्रा पूरी हम पैदल ही करेंगे। मतलब सिहाब भाई को देखकर आप जा रहे हो? हमने देखा है कि जब से सिहाब भाई जा रहे हैं तब से और बहुत से लोग हैं जो हज के लिए पैदल निकल चुके हैं। तो ये ऐसा क्या है, मतलब इससे पहले भी तो लोग जा सकते थे? बस ये अल्लाह की रहमत है और कुछ। इन वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को पता चल गया होगा हज के सफर को एक मजाक बना के रखा है, और कौन से शख्स ने इस मकसद को अपना असल मकसद बनाया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।